फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ले लिए मटर, दो टमाटो और तीन जो है पटैटो और एक हरी मिर्च। ये फ्रोज़न मटर लिया है मैंने, जो पैकेट में आती है। आप चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं, जो मार्केट में मिलती है ग्रीन वाली है। और मैंने एक गिलास चावल ले लिए हैं, मैंने साइज़ से एक गिलास के साइज़ से नापे हैं ये। मैंने डेढ़ गिलास चावल ले लिए 5 से 6 लोगों के लिए। और ये दवाई इसमें निकाल ली है, कीड़ों की दवाइयाँ इसमें से अलग कर लिए हैं। अब इसको हम डिप करके रख देंगे धो के अच्छे से RO के वाटर में, क्योंकि एक डेढ़ गिलास चावल में 3 गिलास पानी डलता है, डबल पानी डलता है चावल में हम बनाते हैं जब। मैं तो ग्लास के साइज़ से ही नाप के बनाती हूँ, आप जैसे बनाते हैं वैसे बनाइएगा। और उसके लिए हमने देखिए फ्रोज़न मटर मैंने भिगो के रख दी थी, टमाटो चॉप कर लिया है और ग्रीन जो जो चिली थी वो भी चॉप कर लिया और पोटैटो भी चॉप कर लिए। अब सबसे पहले हमने कुकर में ऑयल डाल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए, जीरा डाल दिया मैंने। फिर मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी, थोड़ी सी पिंच में, 1 पिंच। और टमाटो और जो ग्रीन चिली थी मैंने कटे हुए, अच्छे से फ्राई करेंगे दोनों को। फिर इसमें मैंने मटर भी डाल दिया, साथ साथ फ्राई हो रहा है, कुक हो रहा है अच्छे से तीनों चीज़ें। मटर टमाटो के साथ मटर भी अच्छे से कुक हो जाएंगी। फिर जो कटे हुए आलू थे वो भी मैंने डाल दिए इसमें। अच्छे से सबको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैंने डाली है सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और हरा धनिया पाउडर 2 चम्मच और हल्दी हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि सारा तरफ चावल में एक ही पुलाव में एक ही जैसा कलर आएगा, इसलिए मैं बाद में ऐड करती हूँ हल्दी। नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे हम, सबको मसाले मिक्स हो जाएं, अच्छे से फ्राई हो जाए, मसाले मिक्स हो जाएं। और इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च भी डाली है, अच्छे से कलर आ जाए इसमें पुलाव में। अब देखिए सारी वेजिटेबल्स हैं जो भुन भुन गई हैं। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे जो हमारे भीगे हुए थे विद वाटर, जो नापा हुआ पानी था मेरा, मीज़र लिया हुआ था पानी का, क्योंकि अच्छे बन जाते हैं चावल, अंदाजे से सही नहीं बनते हैं। मैं नाप कर ही बनाती हूँ ग्लास के नाप से, डबल पानी डाल के। और हल्दी मैंने लास्ट में ऐड करी 2 चम्मच, तो सब तरफ एक ही चम्मच एक ही जैसा कलर आए। कुकर को हम बंद कर देंगे। एक विसल के बाद आपके पुलाव रेडी है। एक विसल लगाइए, इसमें देखिए हमारा पुलाव रेडी है गर्मा गर्म। इसमें हम गर्म मसाला ऐड करेंगे लास्ट में 1 चम्मच और कटा हुआ हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। ये हमारा पुलाव रेडी है खाने के लिए गर्मा गर्म। आप इसे ग्रीन चटनी, दही या अचार जिससे भी आप खाते हो उसके साथ आप सर्व करें इसको गर्मा गर्म। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप वॉच आर्टिफाई डेली। थैंक यू सो मच, बाय बाय।